अंडा कोफ्ता करी। तो चलिए शुरुआत करते हैं करी से। उसके लिए मैंने लिया है एक पैन और पैन में मैंने डाला है एक चम्मच सरसों का तेल। और जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा प्याज, काजू, अदरक लहसुन और हरी मिर्च और साथ ही टमाटर भी। तो सबसे पहले हम प्याज डाल देते हैं। प्याज के परतों को मैंने अलग अलग कर लिया है और उसके बाद हम इन सब को मीडियम टू हाई फ्लेम पे भूनेंगे। टमाटर को हम थोड़ा बाद में डालेंगे और इसे हम तब तक भूनेंगे जब तक कि देखिए इन सब के ऊपर अच्छे से एक ब्राउन स्पॉट्स ना आ जाए। बिल्कुल इस तरह से देखिए बहुत अच्छे ब्राउन कलर आया है। अब हम डाल देंगे इसमें टमाटर। उसके बाद टमाटर को भी हम तब तक भूनेंगे जब तक ये अच्छे से ब्राउन हो जाए। उसके बाद गैस को ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। उसके बाद इसे एक मिक्सचर जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे और फिर हम इसमें मिलाएंगे मसाले। एक चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, 3/4 चम्मच लाल मिर्च, ये आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा, थोड़ी सी हल्दी और साथ ही डाल देंगे थोड़ा सा पानी। उसके बाद हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो लीजिए हमारा मसाला पेस्ट भी तैयार है। अब हम उसी पैन में 3 से 4 बड़े चम्मच सरसों का तेल लेंगे। आप कोई सा भी तेल ले लीजिए और जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए, स्मोकी हो जाए, हम फ्लेम को कर देंगे लो और फिर डालेंगे एक तेज पत्ता, कुछ खड़े गर्म मसाले जैसे जीरा, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग और दालचीनी। और जब इन सब अच्छे से ब्राउन हो जाए हम इसमें तैयार किया हुआ पेस्ट डाल देंगे और मिक्सी में जो थोड़े बहुत बचे हुए हैं उस पर भी हम थोड़ा सा पानी मिला के इसमें डाल देंगे और डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। उसके बाद हम इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे भुनेंगे। ये बहुत छिटकता है इसलिए हम इसमें ढक्कन डाल के लेकिन बीच बीच में हिलाते हुए भुनेंगे। और जब तक मसाले सिम पे भुन रहा है हम चलिए अंडे की तैयारी करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया है एक बाउल और उस बाउल में हम अंडे को फोड़ के डालेंगे। मैंने यहाँ पे 4 अंडे का इस्तेमाल किया है। तो एक एक करके आप अंडे को फोड़ दीजिए। उसके बाद हम इसमें मिलाएंगे कुछ वेजेस जैसे एक मीडियम साइज़ का प्याज, एक छोटा गाजर जिसे कद्दूकस कर लिया है, थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ा सा अदरक ग्रेट किया हुआ और हरी मिर्च। उसके बाद डालेंगे थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा चाट मसाला स्वाद अनुसार। उसके बाद हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि अंडा, वेजेस, नमक सब अच्छे से मिल जाए। उसके बाद हम लेंगे अप्पे पैन और इनके सारे जो पॉकेट्स में हम डाल देंगे थोड़ा थोड़ा ऑयल और फिर जो हमने अंडे का मिक्सचर बनाया है वो हम इन सारे कैविटी में फिल कर देंगे। और उसके बाद हम इसमें ढक्कन लगा के लो टू मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे या जब तक ऊपर से ये ड्राई ना हो जाए। उसके बाद हम इसे पलट देंगे। दूसरी तरफ से हमें बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने ढक के पकाया था तो ये ऑलरेडी पक चुका है। तो चलिए 30 से 40 सेकंड के बाद हम इसे निकाल लेते हैं। आप इसे क्या कहेंगे, अंडे के कोफ्ते या अंडे के अप्पे, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब देखते हैं मसालों का क्या हाल है। मसाले भी अच्छे से भून चुका है, साइड में से ऑयल रिलीज हो गया है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो अब हम इसमें डाल देंगे पानी। मैंने यहाँ पे एक बड़ा ग्लास जितना पानी लिया है। उसके बाद हम इसे मिक्स कर देंगे ताकि कोई लम्स जैसा ना रहे। और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे 1/4 चम्मच गरम मसाला। उसके बाद हम इसे भी मिक्स कर देते हैं और इसमें एक उबाल आने देंगे। ये तेज पत्ता अलग से दिख रहा है, इसे हम निकाल देते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद इसमें हम तैयार किया हुआ अंडे के कोफ्ते या अप्पे मिला देंगे और 1 से 2 मिनट तक हम इन कोफ्तों को इसमें सिमर होने देंगे ताकि ये सारे फ्लेवर्स को एब्जॉर्ब कर ले। और सबसे लास्ट में हमेशा की तरह डालेंगे फ्रेश हरी धनिया। तो लीजिए तैयार हो गई अंडे की एक नई रेसिपी। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा ये रेसिपी आपको कैसे लगी।